मैंने आपको बता तो दिया, लाख लाख रुपए लेंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सबको छोड़ देंगे। पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया है मिल्क की वेरिफिकेशन करना। हमारी जो डिमांड थी, हमने ये कहा था मुख्यमंत्री से कि भाई आप ये पता करो कि जो किसान का 300 रुपया क्विंटल का 250 से 300 जो उसको कम दिया जाता है, जिसके जेब फार्म पे ये लिखा जाता है कि आपका जो पैसा है इतना नगद दे दिया, इतना आपको चेक से दे दिया, जो नगद पैसा वो दिया नहीं जाता, वो किसान का पैसा सरकार रखती है, जो बिल काट करके देता है वो रखता है। हमने कहा इसकी जांच हो, सरकार के खाते में गया, एजेंसी लेगी, बिलर ले गया, वो पैसा कहाँ है बताओ, उस किसान का पैसा किसान को दो। वो देने की बजाय उसकी जांच कराने की बजाय बिलों की वेरिफिकेशन लग गए करने के लिए, मतलब वो तो खा ही गए, मिल वालों को और खा लेंगे। सरकार ने भेदभाव किया है लाइट के मामले में। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बिजली की जो 24 घंटे की आपूर्ति देनी, जहाँ बिल भरे जाते हैं वहाँ कहते हैं 24 घंटे बिजली दे देनी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिल भरते हैं, आज भी उनके यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं है। ढाणियों के कनेक्शन की हाँ भरी गई सरकार की तरफ से, नए ट्यूबवेल के कनेक्शन देने की हाँ की गई। और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी एक समस्या किसान की जो है वो है डार्क जोन। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र को एलनाबाद जो आपका यह रहता है ब्लॉक, वो सारा डार्क जोन में है। ना तो श्री चोपटा भी डार्क जोन में है, पानी 2.5 फुट पे, 3 फुट पे, 4 फुट पे सेम आई हुई है और उसको डार्क जोन में शामिल कर रखा है। डार्क जोन में शामिल का मतलब ट्यूबवेल नहीं लग सकता। सेमग्रस्त गांव जो है, वहाँ के गांव के लोगों ने मेरे सामने ये डिमांड करी कि भी हमें कम से कम ट्यूबवेल की परमिशन मिले तो हम इस पानी को निकाल करके सेमनाड़ी में डाल दें। उस डार्क जोन का कोई क्राइटेरिया सरकार बताए तो श्री, भी हमने ये क्राइटेरिया निर्धारित करके इसको डार्क जोन में शामिल किया। सीसीआई तो खरीदती है 5500 रुपये क्विंटल, कोई 10-20 ट्राली तो सीसीआई खरीदती है, वहाँ ट्रालियाँ खरीदती कोई 500 के करीब, बाकियों को ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे इसमें नमी आ गई। अब नमी, आप ये बताओ कि लाइन लगा करके ट्राली ले आकर के खड़ी करेगा, आजकल रात को सारी रात पानी बरसता है, तो कहीं ना कहीं वो पानी तो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर उसको कहते हैं कि इसमें नमी है, हम तेरी कपास नहीं खरीदेंगे। उस किसान को मजबूर होकर के उसी कपास को मिल में जा करके डालना पड़ता है लोकल में, क्योंकि घर ले जा नहीं सकता, मजबूर हो के मिल में बेच के आता है। मिल वाला जो है उसको 5200 रुपये क्विंटल का देता है, 300 रुपये खा जाता है उसको, कि उस पर आयोजन तो होता है लेकिन अब तक उन लोगों के लिए किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कितने लोग पीड़ित थे, कितने लोग मरे उसमें, कोई किसी को नौकरी नहीं, किसी को कोई ट्रीटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला, उनके लिए कोई स्थायी जगह नहीं बनाई, ना कोई वहाँ पिलर खड़ा किया, ना कुछ लोगों ने अपने हिसाब से। हाँ, जबकि बर्न यूनिट तो हर जगह होनी चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं, आग के हाथ से जहाँ एनर्जी होगी वहाँ इस तरह के हादसे होना तो मामूली बात है। कि जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा में नशे का प्रचलन आया, उस बीजेपी की सरकार ने उस पर अंकुश लगाने की बजाय उसको और बढ़ावा दे दिया। आज लोग पहले से भी ज्यादा पीड़ित हैं। मैंने इसके लिए चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है और इसके लिए मैंने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है। 27 तारीख को होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, 27 को मैं उनके सामने पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव मंगवाऊंगा 27 से पहले पहले, और वो प्रस्ताव भी उनको दूंगा कि देखो पंचायतें भी इस चीज़ के खिलाफ अपने प्रस्ताव पारित कर रही है, दे रही है कि इस नशे पर अंकुश होना चाहिए।
और मैं उन लोगों के नाम भी होम मिनिस्टर को उस दिन बताऊंगा कि ये मैंने नाम मुख्यमंत्री को दिए, आपको भी भेजे, आपने इन पे क्या कार्रवाई करी। और मैं कहूंगा कि मैं FIR लॉज कराता हूं, आप इसके FIR लॉज करो, अगर मैं गलत नाम दे रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर मैं सही नाम दे रहा हूं तो जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके उनसे ये बात पूछी जाए, पता लगाया जाए कि ये सारा नशा कहाँ से आ रहा है, कौन इसके पीछे माफिया है।